अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम गुजराती के पीरियड में आपकी जो सितंबर के एंड में यूनिट टेस्ट हुई, थर्ड यूनिट टेस्ट, उसका पेपर सॉल्यूशन आज हम देखेंगे। जो आपकी 25 मार्क्स की यूनिट टेस्ट थी, आज हम उसे हल करेंगे। पेपर सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, जोड़ का जोड़ो। तो जोड़ का जोड़ो में आपको कृति, यानी कि जो पाठ के नाम है या काव्य के नाम है, और उसके सामने ऑप्शन दिए जाएंगे। उसमें साहित्य प्रकार भी हो सकते हैं और लेखक कवि के नाम भी हो सकते हैं। यहाँ साहित्य प्रकार दिए गए हैं, तो हमें सही जोड़ मिलाना है। यहाँ आंसर के साथ ही है। सबसे पहला है आभार, ये काव्य है जिसका साहित्य प्रकार है सोनेट। दूसरा है सिहनु मृत्यु, जो नवल कथा खंड है, जो नवल कथा अकुपार में से लिया गया है, अगर आपको याद होगा तो। तीसरा है नवसर्जन निवाटे, जो भी एक काव्य है उसका साहित्य प्रकार है गीत। तो इस प्रकार आपको जोड़ के जोड़ना है। इसमें आसानी से आप 3 मार्क्स हासिल कर सकते हो। अब एक वाक्य में उत्तर आप हो। देखेंगे एक वाक्य में उत्तर आप हो, ये भी 1 मार्क्स के प्रश्न है। गुजराती भाषा जवाथी लेखक ने कयो भय देखाए छे। गुजराती भाषा जाने से लेखक को कौन सी बात का डर लगता है? तो जवाब में आएगा कि गुजराती भाषा के साथ क्या चली जाएगी? भारतीय संस्कृति भी चली जाएगी। तो जवाब आएगा भारतीय संस्कृति जवानों। दूसरा प्रश्न है, दिलनो दीवो काव्य में कोड़ियू तारू काची माटीनू एटले शू। तो यहाँ जो दिलनो दीवो काव्य है उसमें कच्ची मिट्टी के दिए की बात है, तो ये कौन से ताल्लुक से पूछा गया है? तो इसका जवाब आएगा मानसना शरीर निवाच छे, जो इंसानी जिस्म है उसको यहाँ कच्ची मिट्टी का जो कोड़ियू यानी कि दिया है उसके साथ कंपेयर किया है, कि जिस तरह कच्ची मिट्टी का दिया टूट जाता है उसी तरह ये इंसानी जिस्म भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ कोड़ियू तारू काची माटी ने उसका अर्थ है मानसना शरीर निवाच छे। तीसरा प्रश्न है, सावज सीधो हाल्यो गयो हो तो काई थवानु न होतु। आ वाक्य कौन बोले छे? अक्सर जोड़के में भी ऐसे प्रश्न आते हैं कि कोई वाक्य यानी कोई जुमला दिया हो और पूछा जाए कि ये जुमला किसने कहा है, तो उस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ सिहनु मृत्यु पाठ में से एक वाक्य लिया गया है कि सावज सीधो हाल्यो गयो तो काई न थवानु होतु। ये वाक्य कौन बोलता है? तो अहमद। इसमें भी आप आसानी से 1 मार्क्स हासिल कर सकते हो। अब 2-3 वाक्य में उत्तर आपो, ये 2 मार्क्स के प्रश्न है। अमे सौना ऋणी एवं कवि शा माटे कहे छे। ऋणी यानि कर्जदार, हम सबके कर्जदार है ऐसा कवि क्यों कहते हैं? ये आभार पाठ में से लिया गया प्रश्न है। अमे सौना ऋणी एवं कवि कहे छे कारण के आकाश भणी पीठ करवा भीत चणी होवा छता कबूतर चकलीओ तेमना घर में आवीने माड़ा बांधे छे, ए बहाने थोड़ू गगन तेओ घर में लई आवे छे। जो आभार काव्य में हमने देखा था कि किस प्रकार कवि प्रकृति का आभार मानते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, उसकी बात यहाँ बताई गई है। दूसरा प्रश्न है, सिंहनु मृत्यु में से सासण अने आजूबाजूना गामों में बंद शा माटे पाड़ियो हतो। क्यों गाँव में दुकाने सड़के सब सूनी थी बंद था? तो सिंहना अकाड़े थैला मृत्युना बना विषे जे कोईए जाण्यू एने अरेराटी व्यक्त करी। अकाड़े थैला मृत्यु यानि अचानक से नहीं होने वाली जो मृत्यु हो गई सिंह की, ये जो घटना हुई, ये जो वाक्या बना, उससे हर कोई परेशान था, दुखी था। सिंह प्रत्येनी आत्मीयता होवाने लीधे तेना अंतिम संस्कार निमित्ते सासण अने आजूबाजूना गामों में लोकोए बंद पाड्यो। जो शेर था उसके साथ एक आत्मीयता का, एक जज्बात का रिश्ता होने की वजह से सब दुखी हुए और उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आसपास के गांव ने भी मतलब के बंद का पालन किया, मतलब दुकानें वगैरह बंद रखी। पार का तेज अने छाया उछी ना लेवानी कवि केम ना पाड़े छे। पारका तेज अने छाया खूटी जाए छे अने मात्र तेना पड़छाया ज रही जाए छे, तेथी कवि पारका तेज अने छाया उछीना लेवानी ना पाड़े छे।
ये तू तारा दिल नो दीवो था काव्य का प्रश्न है कि हमें हमेशा अपने आप पर ही विश्वास और उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि पराए लोगों से या पराए से उम्मीद रखने से हमेशा हमें निराशा मिलती है। तो यहाँ अगर हम किसी के पास से तेज या छाया यानी कि कोई भी चीज़ की उम्मीद करते हैं तो वो हमें वापस देनी ही पड़ती है, वो हमेशा के लिए हमारे पास वो चीज़ नहीं रहती है। इसलिए यहाँ कवि पार का तेज यानी छाया उछीना यानी उधार लेने की मना करते हैं, ना करते हैं। नीचेना प्रश्नना सविस्तार उत्तर आपो, ये 4 मार्क का प्रश्न है, लॉन्ग क्वेश्चन। लंडन मुलाकात ना लेखक ना अनुभवों वर्णवो, तो ये प्रश्न है भाषा जाए तो संस्कृति जाए पाठ में से, कि लंडन की मुलाकात के वक्त लेखक के क्या अनुभव हुए वो हमें यहाँ बताने हैं। लंडन की मुलाकात दरमियान लेखक ने गुजराती भाषा और संस्कृति ना केटला कड़वा अनुभव थया। लेखक एक गुजराती मित्र साथे गुजराती में बात करता था त्यारे दीकराए पोताना बाप ने कह्युं फाधर ने साथे शू काम गुजराती में बोलो छो, एमने अंग्रेजी आवड़े छे। बीजा एक घर में मम्मीए क्या कार्यक्रम में जवा सुंदर साड़ी पहरी, दीकराए मम्मी ने कह्युं मम्मी साड़ी न पहरे तो न चाले, तू साड़ी पहरे मने बिल्कुल गमतू नथी, जरा ड्रेस बदली आओ ने। त्रीजा एक घर में बहनों मिलन हतुं एनी शुरुआत प्रार्थना थी करवानी हती, लेखके असत्यो माहे थी प्रार्थना बोलवा कह्युं पण उपनिषदनी ए विश्वविख्यात प्रार्थना कोईने मोड़े न हती। जैसे हमने भाषा जाए तो संस्कृति जाए पाठ में पढ़ा था, तो यहाँ 3 अनुभव लेखक ने हमारे सामने रखे हैं कि पहला जब वो लंदन जाते हैं अपने मित्र के यहाँ तो गुजराती में बात करते हैं, लेकिन लंदन वाले मित्र के बेटे को ये बात पसंद नहीं आती है कि फादर को इंग्लिश आता है फिर भी आप गुजराती में क्यों बात कर रहे हो। दूसरे घर में मम्मी ने साड़ी पहनी होती है तो उनके छोटे बच्चे को पसंद नहीं आता कि आप मुझे साड़ी में अच्छे नहीं लगते हैं। और तीसरे प्रसंग में है कि जो बहनों का सम्मेलन होता है वहाँ प्रार्थना से दुआ से शुरुआत करनी होती है, लेकिन असत्य माहे थी सत्य तरफ तू लई जाइए, जो बहुत ही विश्वविख्यात प्रार्थना है ये भी किसी को नहीं आती। तो इन अनुभवों से लेखक को पता चलता है कि किस तरह भाषा के साथ साथ हमारी संस्कृति भी नष्ट हो रही है। दूसरा प्रश्न है नूतन युग ना प्रवासी केवा होय छे, नए युग के प्रवासी मुसाफिर कैसे होते हैं। तो नूतन युगना प्रवासी नवसर्जननी वाटे विहरता होय छे, यानी नया कुछ सर्जन करने की नया कुछ करने की राह पर चल रहे होते हैं। वाटे यानी राह और विहरता यानी आगे बढ़ रहे होते हैं। तेओ प्रगतिना पंथे होय छे, प्रगतिना पंथे यानी कामयाबी के रास्ते पर, पंथे यानी रास्ते पर और प्रगति यानी कामयाबी। तेओ प्रगतिना पंथे होय, तेमनामां आशा ने उल्लास होय, आशा यानी उम्मीद और उल्लास यानी उमंग खुशी आगे बढ़ने का जज्बा वो उनमें होता है। तेमना में आड़स के निराशा ना होए, जो नवयुग के प्रवासी है जो नया सर्जन करना चाहते हैं उनमें क्या नहीं होता है, आलस और निराशा, ना उम्मीदी नहीं होती है, आलस नहीं होता है। तेओ मोह माया ना फंद में फंसाया ना होए, मोह माया के जाल में, फंद यानि जाल में वो फंसे नहीं होते हैं। तेमना में झूठी कीर्ति नो मोह ना होए, उनको झूठी कीर्ति यानि झूठे दिखावे का भी कोई मोह यानि लालच नहीं होती है। ते उत्तम कार्य करी पृथ्वी ने स्वर्ग जेवी सुंदर बनावानु स्वप्न सेवता होय छे, उत्तम कार्य याने आला दर्जे का अच्छा काम करके वो पृथ्वी को ही स्वर्ग याने जन्नत जैसी सुंदर बनाने का सपना देखते हैं, ऐसे होते हैं नूतन युग के प्रवासी। आगे देखेंगे मांग्या प्रमाणे उत्तर लखो, मतलब जो आपको सूचना दी गई है उस हिसाब से आपको आंसर लिखने हैं। हमने यहाँ डायरेक्ट आंसर ही लिखे हैं, आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, वो 3 में से आपको एक पसंद करना है विकल्प। तो सबसे पहला है कपोत शब्दनो समानार्थी शब्द लगो लखो, तो यहाँ कपोत के समानार्थी में आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, उसमें आपको देखकर सही आंसर लिखना है। तो यहाँ कपोत का समानार्थी शब्द होगा कबूतर। प्रगति शब्दनो विरोधी शब्द लखो, तो यहाँ विरोधी लिखना है प्रगति शब्द का, प्रगति यानी कि कामयाबी और इसका विरोधी है अधोगति। नीचे आपेल वर्णों ने लिपि क्रम में गोठो, अब लिपि क्रम जो आपको स्वर व्यंजन आपने सीखा था उसमें जो हमने स्वर पढ़े थे आपको याद होगा अ आ ई ई ए ऐ ओ औ अम अह, उ बीच में रह गया सॉरी, अ आ ई ई उ ए ऐ ओ औ अम अह। तो यहाँ उस हिसाब से आपको वर्ण के हिसाब से लिपि क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले जैसे अ स्वर आएगा तो यहाँ म आएगा,
उसके बाद ई है तो मी आएगा, आई है तो मई आएगा, और ओ है तो मो आएगा। तो इस प्रकार आपको स्वर के मुताबिक यहाँ वर्ण की गोठवणी करनी है। उसके बाद है नीचे आपेल शब्दों ने कोश क्रम प्रमाणे गोठवो। तो कोश क्रम यानी आपको जैसे ऊपर हमने स्वर के मुताबिक क्रम लगाए, ऐसे नीचे व्यंजन के मुताबिक आपको गोठवणी करनी है। तो सब जैसे क ख ग घ होता है तो सबसे पहले क वाला शब्द आएगा कैलाश, उसके बाद ग गोवर्धन, फिर घ घर नो ग तो घर, चकली, दर, नज़र, परदेश अने साप। ये भी दो मार्क्स के आते हैं लिपि क्रम और कोश क्रम, तो इसमें भी आपको थोड़ा ध्यान करना है स्वर और व्यंजन को ध्यान में लेके। उसके बाद है स्त्रीलिंग शब्द उड़खाओ, तो जवाब में आएगा सरिता, सरिता का अर्थ होता है नदी। दात शब्दनु वचन बदलो, तो जैसे मैंने वचन सिखाते वक्त आपको बताया था कि कई शब्द ऐसे होते हैं जो बहुवचन में ही इस्तेमाल होते हैं, उनका एक वचन नहीं होता है, या कई शब्द ऐसे होते हैं जिनका एक वचन ही बोला जाता है, बहुवचन नहीं होता है। तो यानी एक वचन हो या बहुवचन, शब्द वही का वही रहेगा। तो यहाँ भी जो दांत है इसका बहुवचन भी दांत ही होगा और एक वचन भी दांत ही होगा, तो यहाँ जवाब आएगा दांत। सांची जोड़नी लखो, तो यहाँ तीन दिए होंगे आपको जिसमें से दो गलत जोड़नी होगी और एक सही होगी, तो उसमें से आपको सही जोड़नी पसंद करके लिखनी है। तो यहाँ जवाब में जो ये कीर्ति है ये सही जोड़नी है। तो इस प्रकार ये जो मांग्या प्रमाणे उत्तर लखो वाला जो प्रश्न होता है इसमें भी आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आसानी से हासिल कर सकते हो। इसमें समानार्थी, विरुद्धार्थी, लिपि क्रम, कोश क्रम, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, जो भी है वचन बदलो, जोड़नी, यही सब आता है। तो ग्रामर में आप पूरे मार्क्स हासिल कर सकते हो। उसके बाद का जो आखिरी प्रश्न है वो आपको अपनी मौलिकता के हिसाब से लिखना है, पैराग्राफ में से ही प्रश्न के उत्तर लिखने हैं, और जो विचार विस्तार है वो भी अपनी मौलिकता से लिखना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पेपर सॉल्यूशन सही होगा आपका, आपने भी इसी तरह लिखा होगा। नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।